सतगुरु जी के, गुरु जी हमारे, हम सतगुरु जी के, गुरु जी हमारे, मेरी नाम चले गुरु के सहारे, मेरी नाम चले गुरु के सहारे। हाथ से गई भी प्रेम से ताली बजाते हैं। जन्म जन्म से भव में भटका, जन्म जन्म से भव में भटका, नैया मेरी भव में अटका, नैया जन्म जन्म से भव में भटका, जन्म जन्म से भव में भटका, नैया मेरी भव में अटका, नैया मेरी भव में अटका, आके इसको पार लगा दे, आके इसको पार लगा दे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। सतगुरुदेव भगवान की, सब जगत दुख का नहीं को, सुख के साथी सब जगत दुख का नहीं को, दुख का साथी साईया केवल सतगुरु हो, दुख का साथी साईया केवल सतगुरु हो, मेरी नाम चले गुरु के सहारे, मेरी नाम चले गुरु के सहारे, हम सतगुरु जी के, गुरु जी हमारे, हम सतगुरु जी के, गुरु जी हमारे, मेरी नाम चले गुरु के सहारे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो
सतगुरु की कृपा तो अनंत है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गुरु के प्रति आपका विश्वास कितना है। मैंने कहीं सुना था कि कभी भी अपने सतगुरु से ये प्रश्न मत करना, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये प्रश्न कभी मत करना। जो वो कहे बस उसको प्रभु का वाक्य समझ के उसको जीवन में अपनाना। हम लोगों की एक अचंभे की बात है कि हम एक तरफ सद्गुरु को दिखाते हैं कि हम उनके प्रति विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ हम उनकी जासूसी भी करते हैं कि जो वो कह रहा है, जो हमारे सद्गुरु कह रहे हैं, वो खुद भी करते कि नहीं। आपको सद्गुरु की चरणों में इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपको कभी गलत राह पर जाने नहीं देंगे। अपनी नाव को उनकी हाथ में छोड़ो। इस दुनिया में हर एक नाता स्वार्थ का है, सिर्फ दो नाते जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, एक गुरु का, सदगुरु का और भगवान का। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे भी होते हैं बोले चेला को इसलिए चाहते हैं कि कुछ दान दक्षिणा देता रहे, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर जो सच्चा सदगुरु होगा वो कभी नहीं ये चाह के वो किसी को शिष्य नहीं बनाता कि वो उसे कुछ दे, कोई स्वार्थ नहीं। कभी आपको कुछ दुख पड़े संसार के सामने मत रो, सीधा अपने गुरु को, अपना दुख सुख जो भी है, भगवान को या गुरु को, अपनी जो रस्सी है वो उनके हाथ में छोड़ो, सदगुरु के हाथ पे, भगवान के हाथ में। अब रस्सी तो हम खुद लेके बैठे हैं, अब गड़बड़ होगी तो उसमें ना गुरु की गलती ना भगवान की गलती, गलती हमारी है। कहते ना एक मुनीम होता है, मैनेजर कह लो, तो किसी के यहाँ नौकरी करता, किसी की दुकान में उसका कोई सेठ है। अब सेठ को मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके घर बस नौकरी कर रहा है, उसको पगार मिलती है, उसको तनख्वाह मिलती है 10,000-20,000, वो उसमें खुश है। वो सेठ को नुकसान भी हुआ वो उसको तब भी मिलेगी, इसीलिए वो अपने घर जाके चैन की नींद सोता है। वैसे ही अपने गुरु को, अपने भगवान को घर का सेठ बना दो और खुद बन जाओ मुनीम। अब घर में घाटा भी हुआ तो तुम्हारे थोड़े हुआ, वो तो उसका हुआ जो ऊपर बैठा है, सेठ तो तुम्हारा वो है कि नहीं। सेठों में सेठ सावरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ है इस दुनिया में, जो बैठे ना पेट बड़ा बड़ा करके, ये कोई सेठ वेट नहीं, सिर्फ दिखावे के है। सच्चा सेठ हम सब कौन, उसके दास, उसके नौकर बैठे हैं। अब प्रभु घर में नुकसान भी हो जाए तो हमारा थोड़ी है, वो तो उस सेठ का है, हम तो मुनीम है, हमें तो पगार मिलती है। पगार कौन सी, तनख्वाह कौन सी, प्रभु से कहो हे प्रभु हम तो तेरे घर नौकरी करते हैं, हमें तो तू सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम और भक्ति रूपी तनख्वाह देता रहे, बस नुकसान हो घाटा हो फायदा हो वो तू जाने, वो तेरा काम, छोड़ दो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कुत्ता में राम का और मोती मेरा नाम, गले विच डोरी प्रेम की वो जित खींचे उत जाऊं। वो जिधर खींचेगा मुझे तो उधर जाना पड़ेगा। तो ऐसे सद्गुरु का मिलना भी, वो भी जब भगवान की कृपा होती है। सद्गुरु को ढूंढने मत जाओ, तुम खुद उतने अपने अंदर उतना ताकत लाओ, उतनी भक्ति लाओ, सद्गुरु खुद आपके पास आ जाए। तो वैसे ही नारद जी के घर में संत आए, सद्गुरु आए, नारद जी ने प्रभु की भक्ति उनके सत्संग से प्राप्त की।
फिर श्री नारद जी कहते एक दिन मेरी माँ गाय दोहन के लिए चली गई तो उनको किसी सर्प ने डस लिया, वही उनका देहांत हो गया। उसी दिन मैं घर को छोड़ के जंगल में गया, वन उपवन प्रभु की भक्ति करता घूमता रहा घूमता रहा। एक दिन प्रभु ने आकाशवाणी की, हे नारद तुझे अभी मेरी प्राप्ति नहीं होगी, तू अगले जन्म में सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से उत्पन्न होगा, तब जाके तू मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक दिन मेरा काल आया, शरीर पृथ्वी पर गिरा और इस जन्म में मैं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी ने ही वीणा दी कि हे नारद जाओ प्रभु का नाम जन जन तक पहुंचाओ और प्रभु का नाम प्रचार करो। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी ने ही मुझे चार श्लोक भी दिए जिनको आज मैं तुम्हें देता हूं। नारद जी ने चार श्लोक दिए जिसको चातुश्लोकी भागवत कहते हैं। व्यास जी ने उन्हीं चार श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए और भागवत ग्रंथ की रचना की। अब व्यास जी ने अपने कुछ शिष्य थे व्यास जी के जैमिनी आदि, उन सबको भागवत सिखाई, तो जब वो शिष्य जंगल में लकड़ी काटने जाते थे तो इन श्लोकों को बोलते थे, इनका पाठ करते थे। तो आज जब वो लकड़ी काटे जंगल गए श्लोकों का पाठ कर रहे थे तो एक पेड़ के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। अब तक श्री सुखदेव जी महाराज निराकार भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन जैसे ही उन शिष्यों ने भागवत के श्लोक सुनाए सुखदेव जी की आंखें खुली, खड़े हो गए तुरंत, शिष्यों के पास दौड़े दौड़े आए, पूछा अरे भाई तुमको ये श्लोक कहाँ से मिले, क्योंकि सुखदेव जी पहले भी दो बार कथा सुन चुके हैं, कहाँ पहली दो बार सुखदेव जी ने कथा कहाँ सुनी आपको याद है कि नहीं? अच्छा पहली बार कहां सुनी? हाँ गोलोक धाम में राधा रानी के मुख से सबसे पहली बार। दूसरी बार कहां सुनी? अमरनाथ में शंकर भगवान के मुख से। अब वो ही श्लोक जब कोई लकड़ी काटते हुए गा रहा है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भागवत तो किसी को पता ही नहीं, इसको इनको कहां से पता चले। दौड़े दौड़े आए, पूछा अरे भाई तुमको ये श्लोक कहाँ से मिले, किसने बताए? तो शिष्यों ने कहा ये तो हमारे गुरुजी हैं व्यास जी महाराज, उन्होंने ग्रंथ की रचना की है परमहंस संहिता, उसके श्लोक है। खुश हो गए सुखदेव जी महाराज, मेरे पिता, अब पिता की संपत्ति पर तो बेटे का अधिकार होता है, तो खुश हुए कि मेरे पिता का जो ग्रंथ है अब तो इस पर मेरा अधिकार है। दौड़े दौड़े गए पिता के पास, जिस सुखदेव को पिता का प्रेम घर नहीं ला सका आज भागवत के श्लोक उनको घर खींच के लिया। व्यास जी बड़े खुश हुए, सुखदेव जी को बिठाया और भागवत फिर से सुखदेव जी को सुनाई। सरस्वती नदी के किनारे श्री व्यास जी महाराज के मुख से सुखदेव जी ने कथा सुनी, रचना भी हो गई भागवत की, कथा सुनाने वाले सुखदेव जी भी आ गए। अब सिर्फ बाकी है कथा को सुनने वाले श्री परीक्षित जी महाराज। उनसे पहले पांडवों की कथा आती है, लेकिन आइए पांडवों की कथा से पहले हम सब थोड़ी देर प्रभु के कीर्तन करेंगे। ऐसे आप लोग मारवाड़ी है तो क्यों ना एक मारवाड़ी भजन हो जाए, सुनना है कि नहीं सुनना मारवाड़ी भजन? तैयार है, वैसे अपनी भाषा का कुछ आनंद अलग ही होता है। तो आइए सभी प्रेम से, मारवाड़ी भजन है इसलिए नाचना तो बनता ही है, भाव से, और सब जानते हैं इस भजन को मीठे रस से भरे हुए। तो आइए सभी गाते हुए प्रेम से राधा रानी को मनाते हुए। हो मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे,
खारो यमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भर आता है ना तो आगे आकर के जो भाई लोग हैं वो उधर कर सकते हैं, माता बहन उधर कर सकती है। तो कहाँ गए राजस्थानी मित्र मंडल, बुलावे को पीछे से सभी प्रेम से हो मीठे रस से भरो भरोड़ी राधा रानी लागे महाराज।